अगर आप नए हैं तो ज़रूर गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन और बेल आइकन में प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। RBL बैंक के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन कुछ कमेंट्स और भी रह गए हैं तो मैं पहले फटाफट देख दो कमेंट्स ले लेता हूँ कि किस प्रकार के हैं। देखिए सर, कोई अच्छे स्टॉक, यहाँ पे ER सिंह साहब ने पूछा, सर कोई अच्छे स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी बताइए जिसमें कि ब्रोकरेज कम हो और टेक्निकल सपोर्ट अच्छा हो, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। और नाइस रिव्यू ऑफ स्टॉक, बहुत बढ़िया सर, मैंने HDFC में डीमैट अकाउंट खुलवाया है, इसकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है, कोई दूसरी कंपनी का सुझाव दीजिए जो कि कम ब्रोकरेज लेती हो। तीसरा सकुमा पर खैर मैंने अभी वीडियोस बनाया है। तो चलिए हम आपके गुजारिश पे पहले कुछ RBL पे ही चलेंगे। RBL से पहले मैं आपको बता दूं ब्रोकरेज के लिए, देखिए दोस्त आपने अगर मुझसे पूछा है तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं और आप इन्वेस्टिंग भी करते हैं तो आपके पास दो एटलीस्ट अलग अलग डीमैट अकाउंट तो होने ही चाहिए। अब किस पे होने चाहिए, तो मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो मेरा HDFC में भी है और जिस पे मैं कुछ पहले यूज़ करता था, लेकिन अभी मेरा Zerodha पे भी हो गया है, मैंने Zerodha भी कर लिया है, क्योंकि अगर हम लंबे समय के निवेशक हैं और हम डिलीवरी रखना चाहते हैं तो Zerodha में जो उनके ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो नहीं हैं। बाकी देखिए और अदर चार्जेस जैसे कि एक्सचेंजेस के अपने चार्जेस होते हैं, स्टेट लेवल के स्टाम्प ड्यूटीज़ के उनके अलग सर्विस टैक्सेस होते हैं, तो वो सब पे लगते हैं, है ना। और ब्रोकरेज भी जो जनरली जो बैंक्स होती हैं अगर वो डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करती हैं, तो मुझे लगता है कुछ बैंक्स में पर्टिकुलर नाम नहीं लेके कहूँगा क्योंकि सबके अलग अलग अपने होते हैं, अपने अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो वो थोड़ा सा अदर ब्रोकरेज की अपेक्षा महंगे पड़ते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो चाहे वो डिलीवरी से रिलेटेड हो। तो मैं आपको सजेस्ट अभी यही कर सकता हूँ कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ Zerodha वालों के पास, तो मैं अपने वीडियोस पे यहाँ पे लिंक भी डालता हूँ, देखिए Zerodha, और अगर आप इसको ऐसे क्लिक करेंगे, हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा तो पेज ओपन हो जाता है और ऑनलाइन जो इनका प्रोसेसिंग है ये बहुत अच्छा है। और आप अपना नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पे आप अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो फॉलो अप करते जाइए, सारी चीज़ें आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए कॉल मी बैक, तो दे विल गाइड यू प्रॉपरली, मतलब वो आपको फ़ोन करेंगे और आपको प्रॉपर कैसे क्या करना है और आप करते जाइए, है ना। और यहाँ पे देखिए उन्होंने मैसेज भी अपनी वेबसाइट पे फ्रंट में डाला कि द स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स, ज़ीरो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, मतलब जो आप डिलीवरी वगैरह लेते हो वहाँ पे ज़ीरो इनकी ब्रोकरेज है एंड फ्लैट ₹20 इंट्राडे ट्रेड, जो आप डेली ट्रेड्स करते हैं, मान लीजिए कोई आपने आज तो मार्केट बंद है, मान लीजिए आपने कोई माल लिया आज ही, उसको ख़रीदा और आज ही बेच दिया, तो वो हो गया इंट्राडे, और अगर उसको होल्ड करके आपने उसको पे कर दिया, डिलीवरी ले ली आपने कैश में, तो वो हो गया डिलीवरी। तो उस पर अगर इंट्राडे पे भी करते हैं तो आप कितना भी एक अनलिमिटेड माल उठाइए तो ₹20 उसका चार्जेस हैं। तो मेरे ख्याल से Zerodha से मैं सेटिस्फाइड हूँ और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, और कुछ लोगों का हो सकता है, सबका अलग अलग अपना एक्सपीरियंस होता है। तो दो डीमैट अकाउंट रखने से ये फ़ायदा है कि देखिए एक तो आपको बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट को लेके होचपोच नहीं रहेगा, अगर आप निवेशक भी हैं और ट्रेडर भी हैं, कभी कभी इच्छा आपकी करती है कि आज हम थोड़ी ट्रेडिंग भी कर दें, मार्केट का रुख अच्छा लग रहा है तो कुछ थोड़े से इंट्राडे भी कर लेते हैं, फिर आपको एक डिलीवरी वाला अपना अकाउंट रखिए, प्रॉपर मेंटेन करके पोर्टफोलियो वगैरह वो भी रखिए, तो दो अकाउंट तो होने चाहिए। तो चाहे Zerodha करें, जो आपको ही पसंद हो, बट आई रिकमेंड Zerodha बिकॉज मैं यूज़ करता हूँ Zerodha एंड अपना बैंक का जो मैं डीमैट अकाउंट है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे RBL बैंक के बारे में हम बात करेंगे और RBL के बैंक के बारे में देखिए किसी भी स्टॉक के बारे में हम थोड़ी जानकारी चाहते हैं तो पहले उसकी पास्ट की हिस्ट्री, उसकी परफॉर्मेंसेस, कितने सालों से काम कर रही है, तो कुछ बेसिक चीज़ें देख लीजिए, अगर नहीं देख सकते ठीक है, फंडामेंटल आप बढ़ के भी देख सकते हैं। इन अगस्त 1943 मतलब आज़ादी से पहले रत्नाकर बैंक वॉज फाउंडेड, मतलब इनकी स्थापना जो है 1943 में हुई महाराष्ट्र में, विथ टू ब्रांचेस, दो ब्रांच इन्होंने खोली, एक कोल्हापुर में एक सांगली में।
इट मेनली सर्व्ड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब छोटी छोटी जो स्मॉल और मध्यम वर्गीय की जो कंपनियों हैं उनको सर्विस अपनी देती थी, बिजनेसमैन्स को, मर्चेंट्स को, व्यापारियों को, कोल्हापुर में और सांगलिक बेल्ट में। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट ऑन जून 1943 रत्नाकर बैंक लिमिटेड। फिर इसको प्रॉपर जो है स्थापित किया गया कोल्हापुर में जून 14 को रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से। अगस्त 1959 में द बैंक वॉज कैटेगराइज्ड एज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में इसको करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1934 एक्ट के तहत ड्यूरिंग दिस डिकेड इट वॉज रिफर्ड एन NH4 बैंक। NH4 एक नेशनल हाईवे जो 1000 किलोमीटर के आसपास का होता है, उनमें जो जितनी भी सिटीज़ आती हैं मेजर्स, उन पे जो है इनका कम से कम 4 सिटीज़ में मतलब व्यापार था, तो इस वजह से NH4 रैंक दे के इनको जो है लाइसेंस दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इन जुलाई 2010 विश्ववीर आहूजा बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द बैंक। इन द अगस्त 2014 द नेम ऑफ द बैंक वॉज चेंज टू RBL बैंक लिमिटेड। और 2010 में RBL बैंक रिपोर्टली रेज 4000 करोड़। 2010 में इन्होंने अपने इन्वेस्टर से 4000 करोड़ रेस्ट किया। द बैंक रेस्ड 700 करोड़ इन 2011। इस प्रकार से फंड रेस करते हुए द बैंक रिसीव्ड बोर्ड अप्रूवल टू रेस 1680 करोड़। अच्छा, ऑपरेशन में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि जुलाई 2019 तक, एज ऑफ जुलाई 2019, इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 324, यानी कि 324 ब्रांचेज हैं, 341 ATMs हैं अक्रॉस 21 स्टेट्स, 21 राज्यों में एंड यूनियन टेरिटरीज। इट हैज़ 5843, यानी कि इनके पास 5843 एम्प्लॉयज़ हैं। और 2016 में द बैंक रैन अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कॉल्ड सक्षम इन कोलेबोरेशन विद CDC टू प्रोवाइड एजुकेशन 25,000 इंडिविजुअल्स एंड 300 विलेजर्स। इन्होंने जो है सक्षम प्रोग्राम के तहत एक जेस्टर, एक सोशल कॉज भी आप कह सकते हैं, ये भी काम किया इन्होंने 300 गांव में इन 4 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ओके 2018 में इट पार्टनर्ड विद मनी टैप। अगर आप, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यूज़ भी करते हो, एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड है, मनी लाइन उसको बोलते हैं, तो बड़ा इजी है, एक तरीके का लोन देते हैं वो, क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है और उससे EMI बन जाती है, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते होंगे, आपने सुना भी होगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत पुरानी बैंक है जो अभी काम कर रही है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है, पहले हम कुछ और फंडामेंटल देख लेते हैं इसकी ग्रोथ कैसी रही। देखिए, मार्केट कैपिटल है 15,231 करोड़ का यहाँ पे, और करंट प्राइस है 354 रुपये। 52 वीक हाई था 716 और लो बनाया इसने 337, यानी कि आधा हो चुका है एक साल के अंदर। इस बढ़िया बैंक में काफ़ी गिरावट आई है। बुक वैल्यू है 175 की, पी रेशियो देखिए 16.14 की, और सेल्स ग्रोथ 31% की, रिटर्न ऑन इक्विटी 12, ROCE है 7.35 की। BSE एंड NSE दोनों में लिस्टेड है और 10 रुपये की फेस वैल्यू है इसकी। और अगर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इनकी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो अगर हम साल दर साल यहाँ पे इनके कुछ रेवेन्यू की जो ग्रोथ देखते हैं, तो मुझे लगता है कंसिस्टेंट यहाँ पे भी ग्रोथ है, अगर आप जैसा देख सकते हैं, और साल दर साल लगातार ग्रोथ है। ट्रेलिंग 12 मंथ में भी यहाँ पे देखिए ग्रोथ दिख रही है। वहीं पर नेट प्रॉफिट में चलते हैं, तो अगर हम मार्च 2008 से देखते हैं साल दर साल, तो 8 में 17 करोड़, 9 में 31, फिर अगेन हम स्किप करके लगातार ग्रोथ है, और 2015 में 207 करोड़ नेट प्रॉफिट। फिर अगर हम 2018 में देखते हैं तो 635 करोड़, और मार्च 19 में 867, और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी यहाँ पे 944 करोड़ की यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखते हैं, जो कि 10 वर्ष का 46% के आसपास है, 5 वर्षों में 36% और 3 सालों में 31%, जो कि एक अच्छा नंबर है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 44% के आसपास दिखा रहा है, ये भी ज़बरदस्त नंबर है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट उसी प्रकार से हम देख लेते हैं, तो ये भी देखिए 3 साल का अगर हम लास्ट देखते हैं तो 43% के आसपास की अच्छी ग्रोथ है, मतलब अच्छे नंबर्स कहे जा सकते हैं। एक बैंक निरंतर जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है।
और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं तो लगातार अगर 3 सालों को देखते हैं तो 11% के आसपास ही बना रखा है, और लास्ट 12 ईयर्स का भी, लास्ट ईयर का भी इन्होंने 12% के आसपास का रिपोर्ट किया हुआ है, दैट इज़ काफ़ी अच्छा है। और अगर हम क्वार्टरली देखते हैं तो जून 18 से पहले हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर लें, ऑब्वियसली बात है कि रेवेन्यू भी 1364 करोड़ जो जून 18 में था, जून 19 में हो गया बढ़ के 2023 करोड़। और वहीं अगर मार्च 19 से भी हम कंपेयर करते हैं तो मार्च 19 में 1834 करोड़ से बढ़कर हो गया, यानी मार्च 19 क्वार्टर फोर और जून 19 में हो गया 2023 करोड़, राइट। इसी प्रकार अगर हम नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो जो जून 18 में थी इसकी नेट प्रॉफिट 190 करोड़, वो बढ़ के हो गई 267 करोड़ जून 19 में। और क्वार्टरली भी यहाँ पे ग्रोथ है, जैसे कि मार्च 19 में अगर हम देखते हैं मार्च के क्वार्टर के, तो 247 करोड़ जो थी वो 267 करोड़ हो गई बढ़ के जून 19 में। तो देखिए किसी भी कंपनी में अगर हम देखते हैं मेनली कि किस प्रकार की उनकी लगातार ग्रोथ है, क्या साल दर साल उनमें ग्रोथ है या फिर उन्होंने कुछ किसी वर्ष इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले हम उसकी बेसिक चीज़ें ज़रूर देखते हैं। और अगर हम रिटर्न भी देख लें तो रिटर्न वाइज अगर कुछ सालों के जहाँ जितना हम देख सकते हैं कि एक साल में 40% का लॉस है जिन्होंने पैसे लगाए होंगे उनको 40% का एक साल पहले, 6 महीने पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया RBL बैंक में उनको भी 37% के आसपास का लॉस है। और बैंकों में तो पता ही है आपको कि बजट के बाद तो बुरी हालत है, और जिस प्रकार से IBI की तरफ से रेपो रेट भी कट किया गया उसमें भी इनको काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो कुछ चीज़ें जैसे कि आपका निफ्ट वगैरह में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस थे, सर्विसेज चार्जेस थे, उनमें भी कुछ कटौती की गई है, शायद कुछ में समाप्त भी किया गया है, एग्जैक्ट मैं आंकड़े नहीं दे पा रहा, तो उस वजह से इनको भी काफ़ी नुकसान होता है क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, लोग ट्रांसफ़र करते हैं मनी लेना देना, तो उसमें इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो एक साल में काफ़ी गिरावट है और इस स्टॉक पे, और अगर हम 5 साल का भी देख लेते हैं 60 मंथ्स का, तो 60 मंथ्स में आप इनको 18% की जो है अपसाइड यानी कि रिटर्न मिल रहे हैं जिन्होंने पैसे 5 साल पहले लगाए थे। तो ये रही RBL बैंक की वर्तमान स्थिति कंडीशन, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और बेहतरीन डिविडेंड पे करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरीके से अभी इस पे हमें क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि RBL बैंक में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं इसमें कोई भी प्रमोटर्स नहीं है, मतलब बोर्ड मेंबर है इनका एक स्ट्रॉन्ग जो इसको पूरा रन करता है, और FIIs भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग इसमें बना के रखी है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल की मेजॉरिटी ज़्यादा है इसमें, तो इसमें प्रमोटर्स नहीं, उनका एक मैनेजमेंट टीम है बोर्ड मेंबर्स है जो डिसाइड करते हैं, इस कंपनी को चला रहे हैं, इस बैंक को चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे राडार में RBL बैंक है और एक अच्छी बैंक है, जिस प्रकार से इसमें ग्रोथ है और मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय के लिए जिस प्रकार से अभी इसका स्टॉक प्राइस टूट गया है, तो चाहे तो हर गिरावट में आप लेते जाएं। अगर बहुत सारी बैंकों के स्टॉक्स आपने नहीं लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी बैंक हैं जैसे बंधन बैंक हो गई, HDFC बैंक हो गई है ना, और ICICI बैंक भी है, IDFC फर्स्ट बैंक भी है, वो भी मुझे लगता है उसमें सुधार आ रहा धीरे धीरे, और RBL बैंक हो गई, इंडसइंड बैंक हो गई, तो जो इन बैंकों में सबसे आपको नीचे की प्राइस पे मिलता है, जिनमें आपको ज़्यादा किसी कारणवश इस पर ज़्यादा असर पड़ जाता है, FIIs की सेलिंग इस पर ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे स्टॉक्स को भरने का समय होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जो आपकी क्षमता हो कि भाई मेरे पास इतना है तो मैं हर महीने इसमें इतना हर गिरावट पे ले सकता हूँ, तो लंबे समय के लिए आप थोड़ी थोड़ी बाइंग करते जाइए आपकी जो आपकी इच्छा हो। और मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, और फिर से मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक मैं ख़रीदने या बेचने के लिए पर्सनल अपनी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा, मैं एक सिर्फ कंपनी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है,
और आपकी अपनी सूझबूझ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा करें कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले। तो एक बेहतरीन बैंक RBL बैंक, मैं इस पे जो है अनुमोदन करता हूँ। इसके काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। मैंने इसके विषय में बताया किस प्रकार से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, कितनी पुरानी है और जिस प्रकार से इनका बिज़नेस अभी चल रहा है, जैसे कि मनी टैप, इनका क्रेडिट लाइन और जो बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसी गुंजाइश है इसमें। समय ख़राब चल रहा है इसका, इसलिए अभी काफ़ी टूट चुकी है और मुझे लगता है कि ओवरऑल सारी बैंकों में थोड़ा सा गिरावट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।